नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार की सुबह निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत निरसा मुख्य बाजार चौक पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पूरी सड़क जाम हो गई। मौके पर पहुंची निरसा पुलिस के गश्ती दल ने अपनी PCR वैन से घायल बाइक सवार को नजदीक के निरसा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक इलाज करके उसे धनबाद रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि चापापुर कोलियरी के ECL कर्मी गोविंद राय बाइक पर सवार होकर कोलियरी ड्यूटी को जा रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें उनका दाहिना पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया तथा बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। निरसा पुलिस के द्वारा उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उसके परिजन उसे धनबाद लेकर चले गए।